वन नेशन वन इलेक्शन लाना है, हम स्वागत करेंगे, फिर वन नेशन वन गौ कानून लाइए, पूरे देश में एक गौ हत्या निषेध कानून ले आइए। अगर एक गौ हत्या निषेध कानून ला दीजिए तो फिर एक चुनाव भी कराइए। लेकिन जब गौ हत्या का प्रश्न आएगा कहेंगे नहीं ये राज्य का विषय है, अलग अलग राज्य अपने अपने ढंग से करेंगे, यहाँ नहीं मार सकते, यहाँ नहीं मार सकते। माने गौ वध निषेध जो कानून है मध्य प्रदेश का, वो क्या है? वो गौ वध निषेध कानून नहीं है, गौ वध स्थल निषेध कानून है कि यहाँ नहीं मार सकते, बाकी अपना ले जाओ कहीं मारो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे स्टेट हमने तुम्हारे लिए छोड़ रखे हैं। अभी हम हर प्रदेश में जाके गौ ध्वज लगाना चाहते हैं। सबसे पहला विरोध भारतीय जनता पार्टी का आ गया, पत्र लिख करके दो पन्ने का छप गया कि शंकराचार्य को नागालैंड में घुसने न दिया जाए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का एक बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने वन नेशन वन कानून को लेकर बयान दिया है, उसमें उन्होंने गौ हत्या की जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन कानून हो, एक बार चुनाव हो कोई बात नहीं, मगर उसके पहले एक गौ हत्या निषेध कानून लाना चाहिए। ऐसा कानून आए कि एक भी गौ हत्या ना हो, उसके बाद वन नेशन वन कानून आए, यानी कि एक भी गौ की हत्या ना की जाए, इसका जो है कि ध्यान रखे। क्योंकि जब चुनाव आता है, चुनाव को लेकर के सरकार तो बातें करती है, इलेक्शन को लेकर के पूरे वन नेशन यानी कि पूरे भारत में देश में कानून लाए, मगर जब गौ हत्या की बात आती तो राज्य की सरकार पर थोप दी जाती है, यानी कि अपने अपने राज्य की सरकारें या कानून लाएंगी या फिर जो भी फैसला लेंगी। तो ये वो अच्छी बात है, मगर पहले जो है कि गौ की हत्या पर रोक लगाया जाए, उस पर लगाम लगाया जाए, क्योंकि आए दिन हमारे समाज में गौ तस्करी गौ हत्या लगातार होते हैं। कहीं तो गौ तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं, मगर कहीं कहीं चोरी छुपे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है, जिसको लेकर के गौ हत्या पर चिंता जताते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो है कि आगे जो है कि बढ़ाई अपनी हाथ और इसको लेकर के आवाज उठाया है। देखिए वायरल वीडियो में उन्होंने और भी क्या क्या कहा है। वन नेशन वन इलेक्शन लाना है, हम स्वागत करेंगे, फिर वन नेशन वन गौ कानून लाइए, पूरे देश में एक गौ हत्या निषेध कानून ले आइए। अगर एक गौ हत्या निषेध कानून ला दीजिए तो फिर एक चुनाव भी कराइए। लेकिन जब गौ हत्या का प्रश्न आएगा कहेंगे नहीं ये राज्य का विषय है, अलग अलग राज्य अपने अपने ढंग से करेंगे। और जब इलेक्शन की बात आएगी एक साथ करा दो, ये दोनों कैसे चलेगा? अगर आपको एक देश है तो एक जैसा वातावरण बना दीजिए। एक जैसा वातावरण कहाँ बना पा रहे हैं आप तो कह रहे हैं यहाँ मध्य प्रदेश में आपने बना दिया कि साहब 10 साल का दंड कारावास हो जाएगा जो गाय मारेगा। यहाँ नहीं मार सकते, यहाँ नहीं मार सकते। माने गौ वध निषेध जो कानून है मध्य प्रदेश का, वो क्या है? वो गौ वध निषेध कानून नहीं है, गौ वध स्थल निषेध कानून है कि यहाँ नहीं मार सकते, बाकी अपना ले जाओ कहीं मारो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे स्टेट हमने तुम्हारे लिए छोड़ रखे हैं, वहां काटो खाओ। ये क्या है? ये चतुराई गाय के मामले में क्यों हो रही है? जब एक देश है तो एक विचार, एक व्यवहार, एक आचरण। गौ माता अगर मध्य प्रदेश के लिए पूजनीय है तो अरुणाचल के लिए क्यों पूजनीय नहीं है? नागालैंड में क्यों भाजपा हमारा विरोध करती है, आप लोगों को पता नहीं है? अभी हम हर प्रदेश में जाके गौ ध्वज लगाना चाहते हैं। सबसे पहला विरोध भारतीय जनता पार्टी का आ गया, पत्र लिख करके दो पन्ने का छप गया कि शंकराचार्य को नागालैंड में घुसने न दिया जाए। क्यों ना घुसने दिया जाए? अगर एक देश है तो शंकराचार्य वहां क्यों नहीं जा सकता, हमको बताइए।